रामपुर नामक गांव था। उस गांव में गीता नाम की एक औरत अपने पति राहुल और अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गोपाल की उम्र विवाह योग्य हो गई थी। अजी सुनिए, मैं कल जिस शादी में गई थी वहां मेरे रिश्तेदार की बेटी गोपी को देखा। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है और कामकाजी भी है। मैं सोच रही हूँ कि हमारे गोपाल के साथ उसकी शादी करा देते हैं। ये कहकर गीता अपने बेटे की ओर देखती है। क्या तुम गोपी से शादी करोगे? यह सुनकर गोपाल ने भी अपने माँ के फैसले पर सहमति दिखाई। फिर गोपाल और गोपी की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त गोपी के पिता ने गीता से कहा, देखो गीता, जब से तुम्हारी भाभी गुजरी है तब से मैंने गोपी को बहुत प्यार से पाला है। इसे कुछ काम करना नहीं आता है। तुम इसे बड़ी सावधानी से और प्यार से सिखा देना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ कर देना। गोपी के पिता ने रोते हुए ये सारी बातें गीता से कही। भाई साहब, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? गोपी मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद गोपी ने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी मैं जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा, और जब भी चाहेंगे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। अपना दायित्व आपने पूरा किया है। गोपी के पिता ने उसे चुप कराया और विदा कर दिया। जैसे ही बहू घर में दाखिल हुई सभी परिवार के लोग बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोपी बहुत अच्छा खाना पकाने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, पर तुम बहुत कम खाना खाती हो। इतना कम खाना खाओगी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। एक दिन गोपी अपने मनपसंद पकवान चिकन करी बना रही थी। उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे। उसने अपने खाने को टेबल पर परोसा और सोचने लगी, हे भगवान, बस परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे। आज तक मैं कम खाना खाती आई हूँ, पर आज तो घर में कोई नहीं है, मैं पूरा खाना खाऊंगी, उसने अपने आप से कहा और सारा पकवान खा गई। हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना खाना खाया है। पर डकार और सांस फूलने की वजह से वो यहाँ वहाँ चलने लगी। इसी बीच परिवार के सभी लोग वहाँ आ गए। गोपी को इस हाल में देखकर उन्होंने पूछा, अरे बहू तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, जरा सा पेट में दर्द है इसीलिए चल रही हूँ। कुछ दवाई खा लो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गई। धन्यवाद भगवान, वो सब अभी आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती। कुछ दिन के बाद गोपी का पति गोपाल कुछ फल लेकर आया। ये देखकर गोपी खुद से कहने लगी, अरे मेरे मनपसंद फल लाए हैं, मैं सब खा जाऊंगी, मुझे फल बड़े पसंद है, वाह। गोपी को नींद आ रही थी, फिर भी वो आज जगी रही और वो किचन में जाकर सारे फल खाने लगी और सारे फल उसने खाकर खत्म कर दिए। उसने एक भी फल नहीं छोड़ा। अगले दिन उसकी सासू माँ ने गोपी से कहा, गोपी कल गोपाल बहुत सारे फल लाया था, कहाँ है वो सब? फल देखा है क्या तुमने? मुझे नहीं मालूम सासू माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा आपने ही छुपा रखे हैं शायद। अरे मैं क्यों छुपाऊंगी, मुझे मालूम नहीं है कि फल कहाँ है। ये कहकर गोपी की सास वहाँ से चली जाती है। उसी दिन गीता ने सबके लिए बिरयानी बनाई और गोपी को बिरयानी की सुगंध आ रही थी। अरे वाह सासू माँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है, बिरयानी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इसे खाने के लिए बेचैन हो रही हूँ। अगर वो सब खाकर सब खत्म कर दे और मेरे लिए नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूँ? जब वो ये सोच रही थी कि अचानक से सासू आ गई। गोपी मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है, पास वाली गली में एक छोटी सी जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ से मैं अभी आती हूँ, तुम अपने ससुर जी और गोपाल को खाना परोस देना, समझी? ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी। जैसे ही उसकी सासू माँ घर से चली जाती है, गोपी ने एक बड़ी सी थाली निकाली
और उसमें जल्दी से बिरयानी परोस कर जल्दी जल्दी खाने लगी। जब गोपी खा रही थी तब देखा कि थोड़ी सी बिरयानी बची हुई है, तब सोचा कि दूसरी बार फिर से खाऊंगी। जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके चुपके खाऊंगी। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी और सब सोचेंगे कि मैं बहुत खाती हूँ। जब ऐसा सोच ही रही होती है, एक कुत्ता बाहर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते को भौंकते हुए सुना तो थोड़ी सी बिरयानी थाली पर छोड़कर वह बाहर निकल गई। कुत्ते को उसने बची हुई बिरयानी दी और जब कुत्ता बिरयानी खा रहा था तब गोपी ने पानी का घड़ा लिया और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली गई। अंदर कुत्ते ने सारी बिरयानी खा ली। कुत्ते को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो घर के अंदर ही उसने सारा सामान बर्तन इधर उधर कर दिए और कुछ बर्तन तो टूट भी गए। दूसरी तरफ गोपी घर के बाहर एक तरफ छिपकर खड़ी थी और अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी सासू माँ आ रही है, वो घर के पास गई, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं था, और दरवाजा खोला तो कुत्ता जल्दी से घर से बाहर निकला। ये कुत्ता अंदर कैसे आ गया? तुम कहाँ थी? हे भगवान, इस कुत्ते ने अंदर क्या क्या किया होगा? गीता गोपी के साथ अंदर जाती है और देखती है कि बर्तन इधर उधर बिखरे हुए और बिरयानी का बर्तन खाली देखा तो वह चिंतित हो पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने बिरयानी बड़ी मुश्किल से बनाई थी, कुत्ते ने सब खराब कर दिया। तुम कहाँ गई थी बहू, जवाब दो। अरे सासू माँ, घर में पानी नहीं था, मैं पानी लाने गई थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा। जब वापस आई तो देखा कि कुत्ते ने सारी बिरयानी खराब कर दी थी। वो ये कहकर रोने धोने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो दरवाजे पर ताला लगा कर जाना, समझी? गोपी ने इस बात के लिए अपनी सासू माँ से माफी मांगी। अभी तुम्हारे ससुर जी और गोपाल आने वाले हैं, चलो खाना पकाते हैं। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए तो गोपी उठी और किचन में जाकर बाकी बची हुई बिरयानी खाने लगी। अचानक उसे हिचकी आने लगी। गोपी ने पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाया, ग्लास जमीन पर गिर गई। उस आवाज को सुनकर गोपी की सासू माँ जाग गई और रसोई में पहुंची। तब गोपी के हाथ में बिरयानी देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गोपी सोचने लगी, अब क्या करूं? पकड़ी गई और वो चिंतित हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सासू माँ सामने खड़ी है और मैंने यहाँ पर बिरयानी खा ली है, भगवान कुछ करो। गोपी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मुझे सब सच सच बताओ, सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ। तब गोपी ने जो जो हुआ सब बताया। ये सुनकर गीता ने कहा कि तुमने फिर पहले ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो? सासू माँ, मुझे आप सबके सामने खाने में शर्म आती थी, पता नहीं आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। बेटी, इतना खाने का शौक है तुझे, मुझे मालूम नहीं था, भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है। नहीं सासू माँ, आप तो चतुर हैं, उस दिन आपने खुद खाना बनाया और खुद ही खा गई और छिप छिप कर खाया सारा खाना, मैंने सब देखा था। हे भगवान, तुमने सब देख लिया? किसी से कहना नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? ये बात हम अपने बीच में ही रखेंगे ताकि किसी को भी कुछ पता न चले। इस बीच दोनों के पति वहाँ पर पहुँच गए। गीता और गोपी दोनों को देखकर चौंक गए। ये देखकर गीता के पति और गोपाल ने कहा, अच्छी सासू, अच्छी बहू मिली,